नमस्कार, डी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फतेहपुर से सेना भर्ती का ये लाइव नज़ारा। आज उन्नाव जिले के युवाओं की दौड़ है। सेना भर्ती शुरू हुई आज तीसरा दिन है। पहले दिन गोंडा जिले के युवाओं ने दौड़ लगाई थी और आज सेना भर्ती के तीसरे दिन उन्नाव जिले के जो युवा हैं वह सेना भर्ती में शामिल होने पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि जिन युवाओं ने अभी दौड़ पास की है, दौड़ पास करने के बाद में उन युवाओं की जो पहली प्रक्रिया है वह यहाँ से शुरू होती है। यहाँ इन युवाओं को लाया जाता है, इनके बैग इनके साथ में होते हैं और फिर इन्हें यहाँ लाने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ जो ये पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर इनकी फर्स्ट प्रक्रिया शुरू होती है, जहाँ पर जो युवा हैं इनके दस्तावेजों की जाँच के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये इनका रजिस्ट्रेशन होता है, जहाँ से किसी तरह की कोई आगे चल के इनमें कोई बदलाव नहीं हो। ये यहाँ इनका फर्स्ट प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ पर इन युवाओं का जो आधार है उसका थंब अटेंडेंस यानी रजिस्ट्रेशन होता है और यहाँ से रजिस्ट्रेशन होने के बाद में यानी जिस युवा ने दौड़ लगाई है वही युवा यहाँ पर एंटर होता है। इसके बाद में कई बार देखने में मिलता है कि दौड़ कोई और लड़का लगाता है, बाद में जाके वह बदल जाते हैं। तो ऐसी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको रोकने के लिए सबसे पहली जो प्रक्रिया है वह यहाँ पर है, रजिस्ट्रेशन है। युवाओं को चिन्हित कर लिया जाता है कि जो ट्रैक पर दौड़ मार कर आए हैं वह यही युवा है, आगे चल के कोई किसी तरह की बदलाव नहीं होगी। तो ये फर्स्ट प्रक्रिया है और इसके बाद में जो आगे की प्रक्रिया है वह हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। साफ कर, साफ कर, बात पीछे से उठे, साफ करो।